हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। दोस्तों, आज हम वर्टिगो की ट्रीटमेंट जानने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि वर्टिगो क्या होता है। दोस्तों, वर्टिगो यानी कि हमारे शरीर की पोजीशन जैसे ही चेंज होती है तो हमें चक्कर जैसी फीलिंग आने लगती है और इनके साथ अलग अलग सिम्टम दिखने लगते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग की फीलिंग आना या तो फिर कभी कभी वॉमिटिंग आता है और इनके साथ अलग अलग सिम्टम दिखते हैं, तो इनको वर्टिगो बोला जाता है। तो दोस्तों, वर्टिगो हमें अलग अलग रीज़न की वजह से होता है, जैसे कि अगर हमारे लीवर की गर्मी बढ़ गई है, हमारे शरीर में गर्मी बढ़ गई है तो उनकी वजह से होता है, या तो फिर हमारे शरीर में कफ का प्रमाण बढ़ गया है तो उनकी वजह से भी वर्टिगो होता है, या तो फिर हमारे शरीर की ओवरऑल एनर्जी कम हो गई है तो इनकी वजह से भी वर्टिगो होता है। तो यह अलग अलग तीन रीज़न की वजह से हमें वर्टिगो होता है। तो इनके सिम्टम भी अलग अलग होते हैं और इनकी ट्रीटमेंट भी हमें अलग अलग तरीके से करना है। तो इसीलिए पहले आपको जान लेना है कि आपको वर्टिगो कौन से रीज़न की वजह से हुआ है, आपको सिम्टम कैसे दिख रहे हैं, तो इस तरीके से आपको उनके हिसाब से फिर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबा के वर्टिगो की ट्रीटमेंट करनी है। तो दोस्तों, आज हम पहले जान लेते हैं कि आपको किस तरीके से अलग अलग तीन टाइप्स को डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसमें जो दोस्तों हमारे शरीर में लीवर की गर्मी बढ़ने की वजह से अगर वर्टिगो होता है तो उनके सिम्टम कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे कि कान में घंटी बजने की आवाज़ आना, जिनको टिनिटस बोला जाता है, नोजिया होना यानी कि वॉमिटिंग की फीलिंग आना, फिर हमें बैक पेन होता है और हमारा चेहरा पूरा रेड हो जाता है। तो इस तरीके से ऐसे चार मेन सिम्टम आपको दिखने लगते हैं, जैसे कि कान में घंटी बजना, वॉमिटिंग की फीलिंग आना, हमारे चेहरा लाल हो जाना और हमें कमर दर्द होना। तो इस तरीके से पहले टाइप में ऐसे सिम्टम दिखते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में गर्मी बढ़ने की वजह से आपको वर्टिगो हो रहा है, आपको चक्कर आ रहा है, आपका जैसे ही सर घूमता है, एक डायरेक्शन में घुमाते हो या तो दूसरी डायरेक्शन में घुमाते हो, या तो जैसे ही आप पथारी से उठते हो या तो फिर आप चलते हो वैसे आपको चक्कर आना शुरू हो जाता है। अभी जान लेते हैं दूसरे टाइप का सिम्टम। दूसरा टाइप यानी कि हमारे शरीर में अगर कफ का लेवल बढ़ गया है तो उनकी वजह से हमें चक्कर आते हैं, वर्टिगो होता है। तो इसमें क्या सिम्टम दिखते हैं, इसमें हमारी छाती में हमारे पेट का जो ऊपर का भाग है उसमें बहुत ही ज़्यादा भारीपन लगता है, हमारी भूख चली जाती है, हमें वॉमिटिंग की फीलिंग आती है, उनके साथ हमें वॉमिटिंग भी होना शुरू हो जाता है, हमें कफ निकलता है। तो ऐसे अलग अलग सिम्टम हमें दिखने लगते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा वर्टिगो कफ बढ़ने की वजह से हुआ है। इनके बाद का जो तीसरा टाइप है वह है हमारे शरीर की ओवरऑल एनर्जी कम हो जाना। तो इस टाइप के वर्टिगो में हमें पूरा दिन थकान लगती है, हमारी नींद चली जाती है, हमें पाल्पिटेशन होता है यानी कि हमारे हृदय की धड़कन होती है वो हमें सुनाई देने लगती है, इतना ज़ोर से हमारा हार्ट धड़कने लगता है। तो इस तरीके से अलग अलग सिम्टम हमें हमारी एनर्जी बढ़ कम हो गई है तो दिखने लगते हैं, जैसे कि पाल्पिटेशन, हमारे हार्ट बीट सुनने लगना, हमारे शरीर में थकान लगना पूरा दिन, हमारी नींद चली जाना। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर की एनर्जी चली गई है, उनकी वजह से आपको वर्टिगो हुआ है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर यह तीनों टाइप के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको बताने वाले, अलग अलग टाइप्स के लिए अलग अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। तो आप यह एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को अच्छी तरीके से जान लीजिए, इनका लोकेशन कहाँ पर है, इनको किस तरीके से आपको दबाना है, फिर आप घर बैठे ही बिना किसी खर्चे के, बिना किसी दवाई के और बिना किसी साइड इफेक्ट के ट्रीटमेंट कर सकते हो वर्टिगो की। तो दोस्तों, आज हम तीसरे टाइप के वर्टिगो की ट्रीटमेंट जानने वाले, जो कि हमारे शरीर में अगर ओवरऑल एनर्जी कम हो गई है तो उनको एक्यूप्रेशर पॉइंट से किस तरीके से ट्रीटमेंट देनी है वह हम जानने वाले। तो फिर जान लेते हैं।
इसमें दोस्तों जो पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह हमारे पैर के अंदर की साइड यानी कि फुट के अंदर की साइड पर इस तरीके से उभरी हुई हड्डी होती है, बहुत ही प्रोमिनेंट हड्डी होती है जिनको मेलुलस बोला जाता है। इनका जो हाईएस्ट पॉइंट है, टीप पॉइंट है, इनसे आपको चार उंगली ऊपर जाना है। तो यहाँ पर आपको टीप से चार उंगली ऊपर की हाइट पर पॉइंट मिलेगा, जो हमारा सीन बोन होता है, जो हमारी आगे की उभरी हुई हड्डी होती है, इनसे थोड़ा सा पीछे की ओर आपको यह पॉइंट मिलेगा। तो यह पॉइंट को फाइंड आउट करने के बाद थंब से आपको इस तरीके से इनको सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 या तो 15 बार घुमाना है। फिर यह पॉइंट को आपको पंपिंग देना है, 10 या तो 15 बार इस तरीके से दबाना है, छोड़ना है, दबाना दबाना है, छोड़ना है। फिर यह पॉइंट को आपको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से दबा के रखना है। तो इस तरीके से यह पॉइंट को अच्छी तरीके से आपको एक्टिवेट कर लेना है। यह हमारा पहला पॉइंट है वर्टिगो के लिए। तो हमारा जो फुट का अंदर की साइड है वहाँ पर प्रोमिनेंट हड्डी होती है, यह प्रोमिनेंट हड्डी का जो हाइएस्ट पॉइंट है, यह हाइएस्ट पॉइंट से आपको चार उंगली ऊपर और हमारा जो आगे का बोन है, सीन बोन होता है, उनसे एक उंगली पीछे। इनके बाद का जो दूसरा पॉइंट है वह भी हमें पैर में ही मिलेगा। इनके लिए आपको अपने घुटने से पैर को सीधा कर देना है। फिर जो हमारा नी कैप होता है, नी कैप से आपको थोड़ा ऊपर नीचे जाना है। तो नीचे की साइड इस तरीके से आपको उभरी हुई हड्डी मिलती है, प्रोमिनेंट हड्डी मिलती है। तो यह प्रोमिनेंट हड्डी पर आपको अपनी चार फिंगर रख देनी है। जिस साइड का पैर है उस साइड की हाथ की आपको चार फिंगर रखनी है, इस तरीके से रखनी है ताकि जो इंडेक्स फिंगर होता है इनका टिप जो उभरी हुई हड्डी है वहाँ पर रहे। तो जहाँ पर आपका लिटिल फिंगर का टिप आएगा वह हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। पहले आपको नी कैप फाइंड आउट कर लेना है। इनके नीचे हमारी प्रोमिनेंट हड्डी मिलेगी। यह प्रोमिनेंट हड्डी पर आपको अपनी इंडेक्स फिंगर रख देनी है। तो इस तरीके से चार फिंगर रखोगे तो जहाँ पर लिटिल फिंगर का टिप आपको आपका आएगा वह हमारा दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट है वर्टिगो के लिए। दोस्तों जिस साइड का पैर ले रहे हो उस साइड का हाथ ही आपको लेना है, उस साइड की हाथ की चार फिंगर ही आपको लेनी है। दोस्तों यह पॉइंट को भी हमें एक्टिवेट कर लेना है। इस तरीके से आपको गोल घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 या तो 15 बार। फिर इनको पंपिंग करना है, 10 या तो 15 बार दबाना है, छोड़ना है। फिर इनको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से दबा के रखना है। इस तरीके से यह पॉइंट को आपको एक्टिवेट कर लेना है। इनके बाद का जो थर्ड पॉइंट है वर्टिगो के लिए वह हमें हमारा टमी पर मिलेगा। टमी पर जो मिड लाइन है वह मिड लाइन पर हमारा जो अम्बिलिकल है, नाभि का बिंदु है, इनसे आपको चार उंगली नीचे जाना है। तो यहाँ पर हमें मिड लाइन पर यह पॉइंट मिलेगा, तीसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट मिड लाइन पर नाभि बिंदु से चार उंगली नीचे। तो यह पॉइंट को हमें मार्क कर लेते हैं। तो यह पॉइंट को हमें भी एक्टिवेट कर लेना है। यह पॉइंट को हमें पंपिंग करना है, 10 या तो 15 बार दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। फिर इनको 2 से 3 मिनट के लिए दबा के रखना है। फिर इनको आप सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 या तो 15 बार घुमा सकते हो। इस तरीके से दोस्तों यह हमारा तीसरा पॉइंट है वर्टिगो के लिए। इनको भी हमें एक्यूप्रेशर दे देना है। इनके बाद का जो आखिरी पॉइंट है वह हमें कमर के ऊपर के जो वर्टेब्री है, थोरेसिक वर्टेब्री, वहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों इनके लिए हमें अलग तकनीक से एक्यूप्रेशर देना है। तो पहले जान लेते हैं कि किस तरीके से एक्यूप्रेशर देना है। जो हमारा स्पाइन का मिडल वाला स्पाइन का सरफेस होता है, इनसे आपको 2 फिंगर बाजू पर जाना है। तो 2 फिंगर बाजू पर दोनों साइड पे हमें यह पॉइंट मिलता है। अगर आप खुद से दबाना है तो हमें यहाँ पर टेनिस बॉल का इस्तेमाल करना है। अगर एक टेनिस बॉल लोगे तो आपको बारी बारी दोनों साइड एक्यूप्रेशर देना पड़ेगा। पर अगर आपको साथ में दोनों साइड के पॉइंट दबाना है तो इस तरीके से 2 टेनिस बॉल को आपको टेप से जोड़ देना है ताकि एक ही साथ आप दोनों साइड के एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा सको। तो फिर जान लेते हैं किस तरीके से दबाना है। पहले हम जानेंगे, अगर आप सिंगल टेनिस बॉल का इस्तेमाल कर रहे हो तो पहले आपको अपना जो स्पाइन है इनके 2 फिंगर या तो 3 फिंगर बाजू पे टेनिस बॉल को रख देना है। फिर इस तरीके से हमारे शरीर को इनके ऊपर रोल करना है। फिर दूसरी साइड स्पाइन से 2 फिंगर दूरी पर हमें टेनिस बॉल को रख देना है। फिर उनके ऊपर हमारे बॉडी को रोल करना है। तो इस तरीके से स्पाइन को हमें एक्यूप्रेशर दे देना है। अगर आपको साथ में एक्यूप्रेशर देना है तो इस तरीके से जो हमने टूल बनाया था 2 टेनिस बॉल को टेप से जोड़ के, उनको
नीचे कमर के नीचे रख देना है, फिर इनके ऊपर हमें हमारी जो बॉडी है इनको घुमाना है। दोस्तों यहाँ पर कमर और कमर का जो ऊपर का एरिया है पूरे एरिया को हमें एक्यूप्रेशर दे देना है, इस तरीके से बॉडी को रोल करना है। इस तरीके से 2 से 5 मिनट के लिए आपको एक्यूप्रेशर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जितने पॉइंट जाने वह सभी पॉइंट को अगर आप रेगुलर प्रेस करोगे तो थोड़े ही समय में आपका जो वर्टिका का प्रॉब्लम है वह पूरी तरीके से गायब हो जाएगा बिना किसी दवाई के। अगर आपका वर्टिको का प्रॉब्लम आपकी ओवरऑल एनर्जी कम होने की वजह से हुआ है तो इसमें यह सभी पॉइंट आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स देगा। तो दोस्तों आशा रखता हूँ कि आपको मेरी यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो शेयर करिए ताकि सभी को फ़ायदा मिल पाए। ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।